अब खबर जनपद अल्मोड़ा से है, जहां मानस खंड विज्ञान केंद्र का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल लोकार्पण किया। बता दें कि उत्तराखंड के सबसे बड़े मानस खंड विज्ञान केंद्र में बच्चों के लिए खेल खेल में सीखने के लिए कई गैलरियां बनाई गई हैं और इन गैलरियों में जलवायु परिवर्तन, आयुर्वेद सहित विज्ञान के तमाम विषयों को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। बताया जा रहा है कि लगभग 20 करोड़ की लागत से तैयार किए गए मानसखंड विज्ञान केंद्र में उत्तराखंड कुमाऊं के साथ अल्मोड़ा के विद्यार्थियों और शोधार्थियों को फायदा मिलेगा। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। ये एक तो पहले मानसखंड होना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जैसा प्रधानमंत्री जी ने यहाँ मानसखंड के लिए कहा था, उस दिशा में मुख्यमंत्री जी का ये उनका मानना था कि इसका नाम मानसखंड हो। तो मानस का मतलब ही इंटेलेक्ट होता है और विज्ञान प्रौद्योगिकी से बड़ी बात क्या हो सकती है। तो सबसे बड़ा वो समाज बहुत अच्छा करता है हर रूप में, जहाँ विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार को बढ़ावा मिलता है, उसके लिए सबसे बड़ा केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। जिस तरह से केंद्र बना है, तो ये सारा इस पूरे के पूरे इसका केंद्र होगा। जितनी चीज़ें हैं विद्यार्थियों के लिए, शोधार्थियों के लिए, नवाचार करने के लिए, ये अपने आप में बहुत बड़ा केंद्र है। इसी तरह की इसकी गैलरीज यहाँ पर विकसित की गई है।